श्री राम जन्मभूमि परिसर में भूमि पूजन के बाद पीएम का संबोधन, कहा आज पूरा भारत राममय है, सदियों का इंतजार समाप्त हुआ, राम मंदिर राम भक्तों का सम्मान। सालों से टेंट के नीचे रहे रामलला के लिए भव्य मंदिर बनेगा, राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई। राम जन्मभूमि आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, आंदोलन के लिए संघर्ष करने वाले को नमन। राम के अस्तित्व मिटाने का प्रयास हुआ, लेकिन राम अमिट हैं, अमर हैं, राम हमारी राष्ट्रीय भावना के आदर्श। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मंदिर बनने से इलाके का विकास होगा, आज का दिन राम भक्तों की सत्यता का प्रमाण है। मोदी ने कहा मंदिर के साथ इतिहास दोहरा रहा है, श्री राम मंदिर हमारी आधुनिक संस्कृति का प्रतीक। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा मुझे विश्वास है हम सब आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा मेहनत का फल मिला, सदियों की आस पूरी हुई है, राम मंदिर निर्माण के लिए कई लोगों ने बलिदान दिया, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। राम जन्मभूमि परिसर में योगी का संबोधन, कहा 5 शताब्दियों का संकल्प पूरा हुआ। योगी आदित्यनाथ ने कहा 500 वर्षों की संघर्ष के बाद लोकतांत्रिक तरीके से आज ये शुभ दिन आया। आज का कार्यक्रम केवल मंदिर निर्माण का ही नहीं, राम राज्य की अवधारणा के संकल्प को आगे बढ़ाना। मंत नित्य गोपाल दास ने कहा करोड़ों लोगों की इच्छा पूरी हुई, भव्य मंदिर का काम समय पर शुरू हुआ और समय पर बनकर तैयार हो गया। महंत नृत्य गोपाल दास ने पीएम मोदी और योगी को राम जन्मभूमि परिसर के भूमि पूजन के लिए आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने मंदिर निर्माण के लिए शिलापट्ट का अनावरण किया। राम जन्मभूमि परिसर में शुभ मुहूर्त में ठीक 12:44 पर पीएम मोदी ने शिला रखी। पुरोहितों ने पीएम मोदी से दक्षिणा के तौर पर देश की समस्या खत्म करने की अपील की। पीएम मोदी ने राम जन्मभूमि के पूजन स्थल पर भी शीश झुकाया और परिक्रमा की। पीएम मोदी ने जन्मभूमि की मिट्टी से तिलक भी लगाया, नींव की मिट्टी से मोदी ने तिलक लगाया। राम मंदिर भूमि पूजन में 9 शिलाओं की पूजा हुई, लाखों शिलाओं से 9 का 6। राम जन्मभूमि परिसर में पीएम मोदी ने श्री रामलला विराजमान को दंडवत प्रणाम किया। पीएम ने श्री रामलला की पूजा अर्चना की, राम जन्मभूमि परिसर में पूजा अर्चना हुई। राम जन्मभूमि परिसर में पीएम ने पारिजात का पौधा लगाया, पारिजात को दैवीय पौधा माना जाता है। राम जन्मभूमि परिसर के भूमि पूजन कार्यक्रम में पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी सफेद रंग के मास्क पहने नजर आए, पुरोहित भी मास्क में नजर आए। पुरोहितों ने कहा आज पूरी दुनिया के समस्त जीव खुश हैं, पुरोहितों ने पीएम मोदी को आशीर्वाद दिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ भूमि पूजन पूजा में मौजूद रहे। मोदी के 29 साल का प्रण पूरा हुआ, आज सुबह 11:40 पर पीएम मोदी हनुमानगढ़ी पहुंचे। श्री हनुमानगढ़ी में पीएम ने 10 मिनट तक पूजा अर्चना की। सुबह 11:55 पर श्री हनुमानगढ़ी से निकले पीएम मोदी। श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में पीएम के साथ सीएम योगी भी नजर आए। श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में पीएम ने आरती की, पीएम ने आरती के थाल में कुछ पैसे भी डाले। पीएम मोदी ने श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा और परिक्रमा भी की। मंदिर के पुजारी ने पीएम को साफा पहनाया, मुकुट और गदा से पीएम का स्वागत किया। हनुमानगढ़ी के दर्शन करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, श्री राम जन्मभूमि जाने वाले भी पहले प्रधानमंत्री बने। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने अयोध्या में हेलीपैड पर पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी के अयोध्या पहुंचने पर लोगों में जबरदस्त उत्साह, जय श्री राम के लगे नारे। पीएम मोदी 29 साल बाद अयोध्या पहुंचे, इससे पहले 1991 में नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे। राम मंदिर मॉडल होगी 3D तस्वीर, मंदिर की लंबाई 310 फीट से बढ़ाकर 360 फीट की गई, मंदिर की चौड़ाई भी 160 फीट से बढ़ाकर 235 फीट हुई। मंदिर का सबसे ऊंचा शिखर गर्भगृह पर 161 फीट ऊंचा होगा। मंदिर में होंगे कुल 5 गुंबद, कुल 3 मंजिल का होगा ये मंदिर। मंदिर की पहली और दूसरी मंजिल को बनाने में किया जाएगा अब तक तराशी गई रामशिलाओं का इस्तेमाल, लोगों को भेजी गई छोटी ईंटों को चबूतरे बनाने और नींव को मजबूत करने में होगा इस्तेमाल। अयोध्या के सरयू तट पर उत्साह, स्थानीय लोगों ने कहा कोरोना के कारण जाने की इजाजत नहीं, प्रधानमंत्री ने जो कर दिया वो कोई नहीं कर पाएगा, सरयू तट पर बोले लोग। अधिक उम्र के कारण भूमि पूजन समारोह में शामिल नहीं हुए बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। राम मंदिर भूमि पूजन पर आडवाणी का बयान था, राम मंदिर निर्माण बीजेपी का सपना रहा है, मेरे जीवन का सपना पूरा हुआ। आज के मौके पर ममता बनर्जी का ट्वीट, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई। राम जन्मभूमि पूजन के मौके पर अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, भारत सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बने और दुनिया को दिशा दे। भूमि पूजन के दौरान अयोध्या में हर तरफ कड़ा पहरा रहा, शहर में न बाहरी लोगों की नो एंट्री सीमा सील है। भूमि पूजन में VVIP मूवमेंट की वजह से पूरे अयोध्या में बैरिकेड। अयोध्या में ADG लॉ एंड ऑर्डर के अलावा 2 DIG और 8 SP स्तर के अधिकारी तैनात, रविवार से ही SPJ ने संभाला था मोर्चा। करीब 3500 पुलिसकर्मी, 40 कंपनी PAC और 10 कंपनी CRPF की अयोध्या में तैनात थी। फैजाबाद और अयोध्या में 3000 लाउडस्पीकर लगाए गए थे, प्रयागराज की एक कंपनी ने फ्री में लगाए स्पीकर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी अपने आवास पर भगवान राम की पूजा अर्चना की। राम मंदिर कार्यक्रम के दौरान दिल्ली में डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी बांटी मिठाइयां, अपने आवास पर रखा पूजा कार्यक्रम।
राम मंदिर को लेकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी दिखा जबरदस्त उत्साह। असम में सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने की पूजा। कर्नाटक के कलबुर्गी में भी राम भक्तों ने पूजा अर्चना की, भगवान राम की तस्वीर को खीर से नहराया। कर्नाटक के उडुपी में भी निलावरा भगवान शाला में पूजा, भगवान राम के लिए तुलसी अर्चन किया गया। अयोध्या के कार्यक्रम के मद्देनजर हैदराबाद में रही टाइट सिक्योरिटी, चामिनार से लेकर वीएचपी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाई गई। चेन्नई में डीएमके नेता ने बीजेपी दफ्तर पहुंचकर श्रीराम की पूजा की, पुष्प अर्पित किए। अंबाला में मंत्री अनिल विज ने बांटी मिठाइयां, बीजेपी दफ्तर में जबरदस्त सेलिब्रेशन। कोलकाता में भी राम भक्तों ने भूमि पूजन का जश्न मनाया, लोगों ने पटाखे जलाए, बच्चों ने राम लक्ष्मण सीता और हनुमान का वेश धारण किया। इंदौर में पूर्व लोकसभा सांसद सुमित्रा महाजन की शानदार आतिशबाजी, सबने बड़ी स्क्रीन पर अयोध्या का कार्यक्रम देखा। पूरी अयोध्या में लोगों ने दो दिन से चल रहा उत्सव मनाया, पूरा शहर प्रकाश से सराबोर। अयोध्या के कारसेवापुरम में राम मंदिर के कार्यशाला को भी सजाया गया, आज भी बनेगी दीवाली। अयोध्या में दिल्ली, कोलकाता और मुंबई से आया गुलाब, कच्छ के कलाकारों ने पुष्पचित्र बनाया। लखनऊ के सीएम हाउस में दीपोत्सव हुआ, मुख्यमंत्री योगी ने कल जलाई थी फुलझड़ी, आज भी जगमगाएगा सीएम हाउस। सीएम योगी ने मुख्यमंत्री आवास में जलाए दीप, आज भी दीप जलाए जाएं। लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग पर पूरा सीएम हाउस दीपों में फूलों से लिखा गया जय श्री राम। गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी हुआ जगमग, रंग बिरंगी रोशनी से खूबसूरत नजर आए। उज्जैन के महाकाल मंदिर में मनाया गया दीपोत्सव, दीप जलाकर महाकाल की हुई पूजा। भूमि पूजन उत्सव पर दिल्ली के छतरपुर मंदिर में खास आयोजन, विशेष पूजा और हवन किया गया। अयोध्या के भूमि पूजन को लेकर नोएडा में भी मंदिरों को सजाया गया, रंग बिरंगी लाइट लगाई गई। पीएम की संसदीय सीट वाराणसी में दिवाली जैसा माहौल, घरों और मंदिरों में हर तरफ भजन कीर्तन। भोपाल में बीजेपी ऑफिस में फूलों और दीपों से जय श्री राम लिखा गया, भूमि पूजन समारोह की खुशी में छोड़े गए पटाखे। दिल्ली में भी उत्साह, बीजेपी ऑफिस को समारोह के बैनर पोस्टरों से सजाया गया। नागपुर में भी दिवाली वाला माहौल, मंदिरों और इमारतें रोशनी से हुई जगमग। भूमि पूजन के बाद अमृतसर में राम भक्तों ने खुशी का इजहार किया, लोगों ने ढोलक बजाया और पटाखे लहराए। गुजरात में मोरारी बापू की अपील पर दान, अयोध्या में राम मंदिर के लिए अब तक 18,61,000 करोड़ का दान। विदेश से 7,90,00,000 रुपए का दान दिया गया, इनमें से 4 करोड़ से ज्यादा रुपए केवल अमेरिका से भेजे गए। प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, कहा राम सब में है, राम सबके साथ। भूमि पूजन के मौके पर रॉबर्ट वाड्रा का ट्वीट, जय सियाराम के उद्घोष के साथ राष्ट्रीय एकता का दिया संदेश। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में की आरती, भूमि पूजन की शुभकामनाएं दी। कमलनाथ के घर पर हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन, भगवान राम की तस्वीर के नीचे बैठे नजर आए कमलनाथ। भूमि पूजन के मौके पर कमलनाथ ने बदली ट्विटर की प्रोफाइल पिक्चर, भगवा वस्त्र में नजर आए। कमलनाथ ने राम मंदिर निर्माण के शुभारंभ को बताया ऐतिहासिक, कहा शुरुआत 1985 में राजीव गांधी ने की। कमलनाथ ने किया ऐलान, मध्य प्रदेश कांग्रेस राम मंदिर के लिए भेजेगी चांदी के 11 सिक्के। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने बांटे 1,00,000 दिए, अपने समर्थकों से आज भूमि पूजन पर दिए जलाने के लिए कहा। शिवसेना ने राम मंदिर के लिए 1 करोड़ की राशि दी, पार्टी का संदेश लेकर अयोध्या पहुंचे शिवसेना पार्षद। संजय राउत ने पहला न्यौता इकबाल अंसारी को देने की सराहना की, कहा अंसारी के पिता ने शुरू किया था मंदिर मस्जिद विवाद का मुकदमा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 1992 की कार सेवा को किया याद, कहा मुलायम सरकार ने बदायूं की जेल में किया था बंद। राज ठाकरे ने पत्र जारी कर पीएम मोदी का किया अभिनंदन, कहा मंदिर आंदोलन में जान गंवाने वालों को मिलेगी सदगति। राज ठाकरे ने भूमि पूजन को बताया स्वतंत्र भारत के इतिहास का मंगलमय क्षण, कहा बाला साहब जीवित होते तो बहुत खुश होते। गोविंदाचार्य ने राम मंदिर निर्माण का स्वागत किया, कहा मंदिर निर्माण से भारतीय राजनीति हिंदुत्व को की अपनी जड़ों की ओर लौटी। आरएसएस विचारक मनमोहन वैद्य ने कहा राम मंदिर भारतीय समाज को सांस्कृतिक जड़ों से दोबारा जोड़ेगा। अयोध्या के संतों ने पीएम मोदी को बताया रामलला का भक्त, कहा रामलला को मुक्त कराने में मोदी जी का बड़ा योगदान। कर्नाटक की कलबुर्गी में धारा 144 लागू, 6 अगस्त की सुबह तक पाबंदी, अयोध्या से कर्नाटक की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। रायपुर में कांग्रेस एमएलए विकास उपाध्याय ने 1,00,000 दिए बांटे, भूमि पूजन समारोह के उत्साह में बांटे गए दिए। कैलाश खेर ने कहा 500 साल बाद राम मंदिर का अद्भुत संयोग, सदी का सबसे बड़ा उत्सव। कोयम्बटूर के कलाकार ने राम की 1 इंच की सोने की मूर्ति बनाई और आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बालू से बनाई श्रीराम की कलाकृति। ओडिशा में समंदर किनारे रेत से मंदिर भी बनाया।